क्विज के विनर्स हैं अल्टीमेट ग्रीनिंजा, यूनिक इन्फर्नेप एंड लिटिल चैम्प वाईटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो अगर आप सभी को ऐसे ही शॉर्ट आउट चाहिए तो वी डोम पूछे गए क्विज का आंसर सबसे पहले देना होगा। जो तीन लोग सबसे पहले आंसर देंगे उनको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड GBA वर्जन, जहां पे गाइस पिछली बार हमने अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर ली थी गैलार रीजन की। एंड गाइस हमने अपना स्टार्टिंग पोकेमॉन चुना था स्कॉर्बनी को। तो गाइस इस वीडियो में हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार तुम लोग बोले थे यार कोई नया गेम खेलो, तो लो गाइस यार पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड आज से हम खेलेंगे एंड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैंने पार्ट वन पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो गाइस जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड पार्ट वन में मैंने इसकी डाउनलोड लिंक दे दिया है, तो जाके वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप यार तुम लोग को वाली वीडियो पसंद आए, तो फटाफट से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड इस गेम प्ले सीरीज पे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट गाइस दिखाना। तो चलो यार फटाफट अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने उतना कुछ किया नहीं था, हमने यार अपने बस यार स्टार्टिंग पोकेमॉन चुना था, बाकी उतना कुछ हमने किया नहीं था। तो आज यार सबसे पहला मिशन है कि हमें अपना कोई पोकेमॉन्स भी पकड़ने हैं, क्योंकि यार एक पोकेमॉन के साथ थोड़ी ना अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, पकड़ना है गाइस। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी कौन सा पोकेमॉन पकड़ना है एंड मैं इस गेम प्ले सीरीज को गाइस कंटिन्यू करूंगा। तो यार तुम लोग एकदम तगड़ा सपोर्ट दिखाना एंड बहुत बढ़िया गेम है यार इस पे। एंड तुम लोग को पोकेमॉन यार ऐसे ही दिखते, मतलब कि दिखेंगे दो, जो मन करे यार तुम लोग वो पोकेमॉन पकड़ सकते हो यहाँ पे। तो फटाफट चलते हैं एक पोकेमॉन की तलाश में एंड वो पोकेमॉन है गाइस रोकेडी। ओके ए भाई रुक जा यार, क्या नखरे कर रहा है यार ये। तो गाइस अपना पहला पोकेमॉन गैलार रीजन का जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं वो है रोकेडी। तो हम एम्बर अटैक करो स्कॉर्बनी, बस इसे फेंट मत कर लेना भाई, फेंट हो गया दिक्कत हो जाएगी ये। ओके चलो ठीक है। ओके गाइस तो इसकी एचपी थोड़ी डाउन हो गई है, तो आई थिंक अब मुझे पकड़ लेना चाहिए एंड मेरे पास पोकेबॉल तो थी। ओके गाइस तो मैंने पोकेबॉल यूज़ कर दिया, अब ये आ जाए भाई। ओके चलो गाइस तो अपना पहला पोकेमॉन आ चुका है रोकेडी। ओके अब इस एग्जैक्ट को देखो, गेम का थोड़ा ग्लिच भी है ना, बात यह है कि गेम का थोड़ा ग्लिच है ना इसीलिए। एंड रोकेडी को हम लोगों को निकनेम नहीं देना है। तो गाइस यार अब हमने अपना पहला पोकेमॉन रोकेडी पकड़ लिया है, तो चलो यार फटाफट आगे चलते हैं। यहाँ पे ट्रेनर बैटल होने जा रही है शायद। ओके नेक्स्ट है स्कॉर्बेट। ओके मुझे स्कॉर्बेट नहीं पकड़ना भाई। तो यार एक ट्रेनर बैटल है, तो इसे हरा लेते हैं जस्ट 1-2। तो ओके गाइस यार मैंने इसे हरा दिया, तो चलो यार फटाफट आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला आगे चलते हैं, तो वैम्पर यार मुझे नहीं पकड़ना भाई इसे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन कौन से पोकेमॉन पकड़ने हैं एंड वो सब जब मिलेंगे तो मैं पकड़ लूँगा फिलहाल। एंड मैंने इसे भी हरा दिया है। ओके गाइस तो एक और ट्रेनर है, तो इसे भी हरा देते हैं जस्ट 1-2। तो ओके गाइस यार मैंने इसे हरा दिया, तो चलो यार फटाफट अब आगे चलते हैं। नहीं कौन है तो हॉप है। ओके तो यार देखो इसमें थोड़ा उसका ग्लिच भी है, मतलब कि सब टाइटल्स का थोड़ा ग्लिच भी है, इसलिए तुम लोग कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे। एंड ये तो यार लियोन है जिससे हमने यार पोकेमॉन दिया था, तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता देता हूँ, लोग बहुत लंबी चौड़ी बात करने वाले हैं। ये डायनामैक्स के बारे में गाइस बात कर रहे हैं। ओके देख लो कुछ जगह सब टाइटल्स ही गायब है, अभी गेम का ग्लिच है इसलिए लिटरली। एंड बाकी कुछ डायनामैक्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, सीक्रेट मिस्ट्री ऑफ डायनामैक्स। तो ये अगर तुम लोग को पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज कर देना यार, क्योंकि अगर मैं इतनी लंबी चौड़ी बात सुनाऊंगा तब तो यार और ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए। एंड देखो हर जगह यार कुछ सब टाइटल्स भी गायब हैं, इसलिए मैं फटाफट से बढ़ा रहा हूँ इसे आगे। ओके तो ये बैटल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि गाइस मेरी हॉप के साथ अब बैटल होने जा रही है एंड करते हैं तब बैटल। एंड देखो यार अभी तक इसकी बात नहीं ख़त्म हुई भाई, अरे करना ख़त्म भाई। ओके ओके गाइस तो अपनी अब हॉप के साथ बैटल होने जा रही है, तो फटाफट करते हैं इससे बैटल। एंड गाइस ये बोल रहा है कि मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा ताकि मैं जिम चैलेंज के लिए जा सकूं, तो भाई मुझे भी तुम्हें हराना पड़ेगा ताकि मैं जिम चैलेंज के लिए जा सकूं। तो ओके तो मैंने इसे बोल दिया एंड वो दोनों एक तरीके से जज बने हैं। ओके तो लेट्स गो गाइस इसे हराते हैं, ताकि यार हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि हम पावरफुल हैं। ओके तो इसका पहला पोकेमॉन है वो लो। ओके लेवल 9 का, तो अपना तो लेवल 8 का स्कॉन बनी है, आई होप ये टिक जाए बस। ओके सैंड अटैक, वेरी गुड यार सैंड अटैक से सिर्फ एक्यूरेसी फेल होगी ना। ओके थोड़ा सा बचा है भाई, रिस्क ले लें। ओके चलो रिस्क ले लेते हैं। एंड इसके वोलो को यार मेरे स्कॉन बनी ने हरा दिया
एंड वो लेवल 9 का हो चुका है, एंड रोकेडी भी लेवल 9 का हो चुका है, वेरी गुड। ना उसका अगला पोकेमोन है ग्रूकी। ओके, तो मैं रोकेडी को बुलाता हूँ। लेट्स गो रोकेडी, इसके ग्रूकी को मजा चिखाते हैं। क्लॉ डिफेंस नहीं, स्क्रैच ठीक है। ओके स्क्रैच, क्लॉ डिफेंस करके देखते हैं क्या होता है। ओके शायद सिर्फ डिफेंस ही बढ़ाता है क्या, एंड पैक अटैक भी तो गाइस मेरे पास है, मैंने उसको क्यों नहीं यूज़ किया। ओके यार पैक अटैक तो सुपर इफेक्टिव है। एक और गाइस, तो अब यार अपने रॉकेडी ने ग्रूकी को हरा दिया, वेरी गुड है रॉकेडी। मतलब मेरे दोनों पोकेमोन गाइस ओपी हैं, एंड स्कॉर्बनी भी लेवल 10 का हो चुका है, एंड रॉकेडी होने वाला लेवल 10 का, थोड़ा सा ही ज़्यादा एच पी नहीं बची, अरे सॉरी ज़्यादा नहीं बचा तो हो जाएगा। हॉप बोला एटलीस्ट आई मैनेज टू लॉन्च माई पोकेबॉल परफेक्टली। ओके पोकेबॉल लॉन्च करना नहीं आता क्या भाई तुमको। आदित्य हॉप, वेल आफ्टर सीइंग अ मैच लाइक दिस आई सपोज आई हैव नो चॉइस बट टू सपोर्ट यू एज अ चैम्पियन। ओके थैंक यू यार लियोन, यस थैंक्स ली। ओके वो ली बुलाता है, आई स्वेयर आई विल विन द जिम चैलेंजेस टू गेट टू यू। होप बोल रहा है ऑल राइट आदित्य, यू एंड आई विल ट्रेन अगेंस्ट ईच अदर टू अचीव द टाइटल ऑफ चैम्पियन। द मोर वी कीप फाइटिंग ईच अदर द मोर आर पोकेमॉन विल इवॉल्व। What is that? Okay, Aditya, do you see this? They are wishing stars. They are two of... Okay, यार ये उस shooting star की बात करें, इसे wish मांगे सकते हैं। And हमें यार wishing star मिल गया, वाह वाह वाह। With one of these, my Pokemon can use Dana. एक मिनट। ये वो वाला star नहीं है, दूसरा है। They are going to be huge. I trust you to use something like that. They say that the wishing stars fulfill the dreams of those who have a रियल डिज़ायर इन देयर होप। आई विल बी द, मुझे वो वाला स्टार लगा यार जो मतलब शूटिंग स्टार, बट वो नहीं है। इस स्टार से यार हम अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स कर सकते हैं, बट उसके लिए एक पोकेमॉन भी तो चाहिए डायनामैक्स होने वाला। आई विल बी द बेस्ट कोच एवर, आई विल बी द बेस्ट कोच एवर। ओके यार बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, राइट आई हैव सेड इट 3 times ऑलरेडी, सो फॉर श्योर माई विश विल कम ट्रू नाउ, राइट। डोंट बी सिली होप, दोज विशिंग स्टार्स आर अ काइंड ऑफ रॉक दैट कंटेन्स एन अननोन पावर कंपोज्ड ऑफ। ओके देखे मुझे लगा ये था, फालतू चीज़ बोल रहे हैं लोग। तो यार फटाफट इस चीज़ को हटाते हैं, डायनामैक्स के बारे में ही गाइस बात ही कर रहे हैं, एंड चलते हैं फटाफट आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। देखो कहीं जगह तो यार सब टाइटल भी गायब है यहाँ पे। ओके सोनिया, इट सीम्स दैट आई गॉट होम राइट एट द टाइम ऑफ इमोशन। हे गाइस व्हाई डोंट यू स्टे एंड हैव डिनर, यू मस्ट बी हंग्री राइट। इन दोज डे आई वॉज टोटली ऑब्सेस्ड विद मेकिंग द लेटेस्ट फैशन। ओके करी, ओके करी बना रही थी वो, बहुत बढ़िया भाई। तो ये बोल रहा है इट्स फाइनली मॉर्निंग एंड इट्स टाइम फॉर आर एडवेंचर टू रियली। ओके बैंगी मैम, क्या यार कैसे कैसे आइलैंड का नाम रखता है। गुड मॉर्निंग टू, देखो गेम का ग्लिच, हर जगह के सब टाइटल्स गायब। गुड मॉर्निंग टू यू यंग चैलेंजर सोनिया, होप इट। ओके देखो यार सब टाइटल्स इसके गायब ही हैं, इसलिए मैं नहीं करने वाला, इसे फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें मेरा। ओके तो फाइट के बारे में बात करें, हर जगह तो फाइट ही होती है। ओके हमें मिला है एम डाइना बैंड। ओके डायनामैक्स बैंड है यार ये तो। ओके थैंक यू फॉर गिविंग मी डायनामैक्स बैंड। ओके जैसे शायद हम पोकेमॉन को डायनामैक्स कर सकते हैं अब। गिगेंटा शेप, ओके हाँ पता है। ओके तो अब सब जा चुके हैं, तो आई थिंक अब हमें भी चलना चाहिए गाइस, एंड हमें शायद वापस से वहीं जाना पड़ेगा कि वहीं से अगर अगला रास्ता जाता है कहाँ जाता है पता चल ही जाएगा। एंड आई होप है तुम्हें को वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड चलते हैं आगे। हम लोग वापस वहीं पर आ चुके हैं, तो क्योंकि यार हमें यहीं से जाना है। ओके लेट्स गो, ये शायद कोई रेलवे टाइप्स कुछ है क्या। वेलकम टू द ट्रेन स्टेशन। ओके यार ओके हम एक नई जगह आ चुके हैं गाइस, वाइल्ड एरिया में हम आ चुके हैं। ओके एंड इस पहले वाले आदमी से मत बात करना वरना गेम और ज़्यादा ग्लिच हो जाएगा, इस वाले आदमी से जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ ठीक है। तो हमें गेम नहीं ग्लिच करवाना, तो फटाफट से आगे चलते हैं। जितने पोकेमॉन को मैं मदद की करूँगा, तो यार देखो अभी यहाँ पर मुझे कोई पोकेमॉन नहीं पकड़ना फिलहाल, एंड आई थिंक हमें इधर जाना चाहिए। मैं अपने पोकेमॉन की ट्रेनिंग तो करवा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ पे एक वो क्या नाम था इसका, TM11 सनी डे। ओके हमें सनी डे TM11 मिला है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, तो यहाँ ट्रेनिंग अच्छी खासी हो जाएगी, एंड हमें एक स्मैक्स पोर्शन भी मिला है। ओके एंड एक पोकेमॉन भी अपियर हो गया, नीडोरैन। ओके बट नीडोरैन हमें नहीं पकड़ना यार, गैलार रीजन में क्या करेंगे नीडोरैन को पकड़ के।
ओके, कोई पोकेमोन भी आने मिल रहा ना, बात ही है। ओके, एक और पोकेबॉल है तो इसे भी ले लेते हैं, लीफ स्टोन। ओके, चलो बढ़िया चीज़ मिली, लीफ स्टोन तो बढ़िया ही है। ओके, ये ऑफिसर क्यों खड़ा है यार यहाँ पे? एक और डिश यहाँ मेनली यार, कैंटो के पोकेमोन मिलने हैं, पता नहीं क्यों। ओके, चलते हैं। यू नीड टू बैजेस टू पास, हमारे पास तो अभी तक एक बैजेस नहीं है, टू कहाँ से लेकर आए। एक और, ओके गाइस, एक फुल रिस्टोर मिला है, बड़ी काम की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ओके, फटाफट चलते हैं एंड आगे। एंड ये कोई नई जगह आ गई है, वाइल्ड एरिया की जगह। यहाँ पर दो चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की है। एंड गाइस, ओके, ये वाला तुम लोगों को याद होगा, अगर तुम लोग यहाँ पर जाते हो तुम लोगों को एक पोकेमोन मिलता है। तो देखते हैं यहाँ गाइस कौन सा हमें पोकेमोन मिलता है। ओके, देखते हैं कौन सा मिलता है। ओके गाइस, यार गिगेंटा मैक्स, गाइस यार गिगेंटा मैक्स पिकाचू। वाह यार, गिगेंटा मैक्स पिकाचू यार, इसे तो पकड़ना पड़ेगा। ओके, डबल किक, बस ये फेंट ना हो यार मेरा स्कॉन बनी, मुझे इसे पकड़ना है किसी भी हालत में पकड़ना है। बट ओके भाई, मैक्स स्ट्राइक, नो 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 प्लीज़। ओ यार शिट, रिवाइव भी नहीं है ना मेरे पास, बात ये है। मैक्स कोट, ओके, मैक्स कोट से तो उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, एंड स्क्रैच से उसको उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, लेट्स गो एक और बार स्क्रैच। ओ यार, मैक्स स्ट्राइक आई थिंक पेंट। ओके, थोड़ा सा बच गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और स्क्रैच मैं ट्राई करूँ क्या पकड़ने की, बट मेरे पास वो होना चाहिए रिवाइव या कुछ ऐसा जिससे कि मैं फुल रिस्टोर काम नहीं करेगा। ओके, रॉकेडी को ही दे देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि रिवाइव नहीं पड़ा मेरे पास ना। डबल किक, ओके, वेरी गुड यार, मैं उसी की तारीफ कर रहा हूँ पता नहीं क्यों। पैक, मैक्स स्ट्राइक यार, बस लगे ना ये, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओ यार, जीरो हो गया ये तो गाइस। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस यार, उस गिगेंटा मैक्स पिकाचू ने यार हमें हरा दिया था, एंड मैं वापस उसी जगह आ चुका हूँ, एंड पता नहीं अब हमें दोबारा वो कब मिले। फिलहाल अब तो वो मिलने से रहा, एंड हमें एक चेरी बेरी मिला है। तो ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट, एंड शायद हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। एंड अभी तक मेरे पास कोई तीसरा पोकेमोन नहीं आया, एंड मैं किससे पकड़ूँ यार, और कोई गिगेंटा मैक्स है ही नहीं गाइस यहाँ पे। नीचे जाके देखते हैं, कुछ हो हमारे लिए तो ठीक ही हो। फिलहाल यार पिकाचू को तो पकड़ने का मन था, हर गेम में पिकाचू मिल जाए तो फिर मज़ा ही तो आ जाता है। एंड यहाँ एक वो जा रहा है कोई ब्रिज, फिलहाल एक ऊपर से चलना है, हमें एक मैक्स ट्राइब मिला है। ओके, काम की चीज़। ओके, एक और है यार ये तो, लेट्स गो, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। ओके, गिगेंटा मैक्स ईवी, ये देख तो देखने में ख़तरनाक लग रहा है भाई, लेकिन चलो ठीक है। मैक्स स्टार फॉल, बताओ वैसे ही करोगे यार, ये लोग तो हमारी ज़्यादातर एच पी यही लोग खाते हैं। एक और बार इसने मैक्स मैजिक कोट का इस्तेमाल किया है, लेट्स गो फॉर क्विक अटैक। पकड़ूँ मैं इसे, एक पकड़ लूँ क्या, शायद ये पकड़ में ना आए, लेकिन ट्राई करते हैं, अपना पोकेबॉल ही वेस्ट होने वाला है यहाँ पर शायद। ओके, द ट्रेनर ब्लॉक दैट पोकेबॉल, एक मिनट, ये किसका पोकेमोन है भाई? यानी गाइस हम गिगेंटा मैक्स पिकाचू को भी नहीं पकड़ सकते थे, अगर उसका यही ब्लॉक कर रहा है तो अब ये वो भी तो ब्लॉक ही करेगा ना, बात ही है। ओके, चलो ठीक है, अपने रॉकेडी ने हरा दिया, एंड अपना रॉकेडी लेवल 10 का हो चुका है गाइस। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब इसका ट्रेनर कौन था मुझे ये नहीं पता। एक और बार अभी क्यों अपीयर हो गया, एक मिनट गाइस। तो ओके गाइस, अब हमें रियर कैंडी मिल चुका है, एंड वापस से चलते हैं फिर। एंड नर्स जो है ज़रा फटाफट इनसे मैं एक बार हील करा लेता हूँ, हर जगह रहती है नर्स यार, बहुत ठीक है तो ठीक ही बात है। एंड कोई आदमी यहाँ पे इनसे बात कर, हाउ मैनी पोकेमॉन ही एट दिस प्लेस, ओके यस, मुझे क्या पता कितने पोकेमॉन रहते हैं। ओके, आई थिंक बस हमें यार निकलना चाहिए अब यहाँ से, और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता। ओके, तो हमें TM32 मिल गया, बाकी ये पिजियॉट पता नहीं क्यों पकड़ में नहीं आ रहा। ओके, एक शक्ल, ओके, शक्ल की मुझे शक्ल नहीं देखनी, हटाओ। कुछ यार कोई बढ़िया पोकेमोन मिलते तो बढ़िया भी लगता। ओके गाइस, एक इलेक्ट्रिड यार, मैं इसे पकड़ने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसे पकड़, भाई भाई फेंट मत होना यार, अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमोन है भाई, प्लीज़ मेरे प्यारे स्कॉन बनी।
अरे यार मुझे पकड़ना यार इलेक्ट्रिक चाहे भले ही मेरे कितने पोकेमोन फेंट हो। लेट्स गो गाइस, आई होप सो कि बच जाओ यार। मैं मैक्स रिवाइव दे दूंगा एक मिनट को। ओके गाइस, तो आई थिंक अब हमें मुझे मैक्स रिवाइव का यूज़ करना चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही मिला था एंड मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, बताओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ख़रीद लेंगे। तो अपना यार वो फेंट हो गया, अपना प्यारा स्कॉन बनी। एंड मुझे बताओ यार, एक पोकेमोन पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। एलेकेट को पकड़ना ही है मुझे, वो कुछ भी हो जाए मुझे पकड़ना है इस एलेकेट को, बहुत बदमाश है। ओके गाइस, अब यूज़ करते हैं इसके ऊपर पोकेबॉल। मेरे पास अब 3 ही पोकेबॉल बचा क्योंकि मैंने उसके ऊपर वेस्ट कर दिया था। एंड ओ यार, सही बता रहा हूँ, गुस्सा लग रही है। आ जाओ यार, मेरे पास सिर्फ 2 ही पोकेबॉल है। एलेकेट प्लीज़ आ जा भाई। ओके, तो गाइस उसने थंडर शॉक दे दिया और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लास्ट पोकेबॉल है गाइस, बाकी फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। ओके फाइनली गाइस, यार एलेकेट आ चुका है 3 पोकेबॉल वेस्ट कराने के बाद। ये पोकेमॉन मेरे पास आ चुका है। तो बस यार, अब अपना वाइल्ड एरिया में सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने यार आज वाले एपिसोड में 2 पोकेमॉन पकड़ लिए। अपना प्यारा स्कॉर्न मनी तो अपने साथ था ही, तो एक और शक्ल आ गया, इसकी शक्ल नहीं देखनी भाई मुझे। तो गाइज यार, आज के एपिसोड में हमने यार 2 नए पोकेमॉन पकड़े हैं, जो कि हैं गाइज, एक है मेरा प्यारा रॉकेडी एंड दूसरा है एलेकेट। एलेकेट एक बढ़िया पोकेमॉन है। लेट्स गो, बाहर चलते हैं। अब यहीं से जाना था गाइज बाहर। एंड हम आ चुके हैं मोटो स्टोक। ओके, पता नहीं क्या है। ओके, तो आई थिंक गाइज यार, हमें आज वाले एपिसोड में बस इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि आज हमने गिगंटा मैक्स पिकाचू, गिगंटा मैक्स ईवी एंड सबको देख लिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमने अपने टीम में ऐड किए 2 नए पोकेमॉन, एक है रॉकेडी एंड दूसरा है एलेकेट। तो अपने पास गाइस अब 3 पोकेमॉन हो चुके हैं। तो आई थिंक हमें आज वाले एपिसोड में बस इतना ही रखना चाहिए। आई होप तुम लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।